बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। एक जिज्ञासु सेठ किसी संत से निवेदन किया कि जीवन में धन पैसे का उपयोग साफ दिखता है, शारीरिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है और व्यक्ति की यश प्रतिष्ठा भी काम में आती है, लेकिन धर्म का कोई सीधा उपयोग दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी आप लोग सबसे ज्यादा धर्म की दुहाई क्यों देते? दौलत काम में आती है, सेहत का असर दिखता है और शोहरत प्रभावी बनती है, लेकिन ये धर्म का क्या उपयोग? उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए, सामने खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछे, ये बताओ तुम्हें हवेली दिखाई पड़ रही? बोले देख रहा हूं। पूरी हवेली देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। तुम्हें हवेली जितनी दिखाई पड़ रही हवेली उतनी? बोले हाँ, मैं ऊपर से नीचे तक हवेली को देख रहा हूं। संत ने उससे पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? इसकी नींव किधर है? वो तो दिखाई नहीं पड़ रही। ने पूछा, ये बताओ नींव को हटा दें तो क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? नींव को हटाने पर क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? उसने कहा नहीं। तो उसे समझाते हुए कहा कि बस पूरी हवेली दिखाई पड़ती है, उसके एक एक कक्ष उपयोगी प्रतीत होते हैं, नींव दिखाई नहीं पड़ती, पर नींव के बिना कुछ भी नहीं टिक सकता। जो भूमिका किसी हवेली या महल के लिए नींव की है, वही भूमिका जीवन के लिए धर्म की है। धर्म हमारे जीवन में स्थिरता देता है, धर्म हमारे जीवन को संतुलित करता है, धर्म हमारे अंदर सकारात्मकता प्रकट करता है और धर्म से हम अपने आवेग संवेग को नियंत्रित कर पाने में समर्थ होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ धर्म को जीवन का मूल निरूपित करते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की गई कि हमें धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ स्वीकार करना चाहिए। आप सब लोग धर्म श्रद्धालु हो और इंदौर तो ऐसे ही धार्मिक नगरी के रूप में ख्यात है और अभी पिछले 15-10 दिनों से तो इंदौर वालों की लाइन लगी है, कोई ना कोई ग्रुप का ग्रुप आ रहा है, अगला ग्रुप भी आने वाला है, सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जितनी इंदौर में तादाद है वैसी लहर भी होनी चाहिए, दिख रही है, पर आज समय ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को सम्मेलन शिखर विधान भी करना है। चार बातें आप सबके विचार के लिए मैं यहाँ देना चाहूँगा। हम लोग धर्म करते हैं, क्यों करते हैं? धर्म कैसे करें? धर्म कितना करें? और धर्म कब करें? चार सवाल। क्यों करें, कैसे करें, कब करें और कितना करें? आप लोगों से पूछता हूँ, आप धर्म क्यों कर रहे हैं? जितने हैं ज़्यादातर तो सीनियर सिटीजन है,
कम से कम 50 वर्ष के धर्म का एक्सपीरियंस तो आप लोगों का होगा, 40-50 साल तो आपने अच्छे से धर्म किया होगा, और जितना 20-25-50 वर्ष और बचे हैं उतने भी अच्छे से करने की भावना रखते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम धर्म क्यों करें? आत्मा का अनुभव है, आत्मा का एहसास है, आत्मा का आभास है, बस नाम मालूम और हम लगे हैं कल्याण। मेरे देखे 4 भावनाओं से व्यक्ति धर्म करता है। पहला परंपरागत संस्कार, बस माँ बाप ने हमें संस्कार दिया, ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे घर में जन्म लिए जहाँ हमें जन्म घुट्टी में धर्म के संस्कार दिए गए, और संस्कार का सुफल ये रहा कि हम अधर्म से दूर रहे, पाप से अपने आप को बचा लिए। पर हम क्यों मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, धार्मिक क्रियाएं करना है, जितने भी रिचुअल्स है उसे हमें करते रहना है, हमें पहली प्राथमिकता देना रखना है। आप सोच रहे होंगे, आपको याद आता होगा हमारी दादी कहती थी, बेटा मंदिर में जाए बिना मुंह में पानी मत डालना, पहले मंदिर जाओ उसके बाद करना। तो हमने उनके संस्कार देखे और हम उसको फॉलो करना शुरू कर दिए। बहुतायत लोग इसी पृष्ठभूमि के साथ धर्म करने वाले होंगे, हैं कि नहीं, बोलो। दूसरे कैटेगरी के लोग धर्म करते हैं लालचवश। धर्म करेंगे हमारे दुख मिट जाएंगे, हमारे कष्ट मिट जाएंगे, हमारे बिगड़े काम सध जाएंगे, इसलिए धर्म हमको करना है। और ये संस्कार भी हमारे माँ बाप ने ही दिए हैं, बेटा रिजल्ट खुलना है मंदिर जा, परीक्षा है तो पहले मंदिर जा, है ना। अब मंदिर जाओ तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट तो बन चुका है, केवल डिक्लेयर होना है, लेकिन हमें ये सिखाया गया कि तुम मंदिर जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये कुछ प्रेरणा, जहाँ भय और लोग से प्रेरित होकर लोग धर्म करते हैं। ये लोग धर्म करते हैं, मानता हूँ धार्मिक क्रियाएं करने से बहुत सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, लेकिन बिगड़े काम बनाने के लिए धर्म करना बहुत औचित्यपूर्ण नहीं है। तीसरी कैटेगरी है धर्म करने वालों की, वो धर्म करेंगे पुण्य मिलेगा, सदगति मिलेगी, मनोज भाई की तरह आत्मा का कल्याण होगा, ये तीसरी है। पर ये भी परोक्ष है, इसका कोई सीधा लाभ तो जीवन में दिख नहीं रहा। कितना पुण्य मिला, कितना पाप कटा, हिसाब किताब है कहीं, कुछ दिख रहा है क्या? न पुण्य दिखता, न पाप दिखता, हमें तो धर्म की क्रिया दिखती है। ये तीसरा अभिप्राय है। मैं इन तीनों अभिप्रायों की प्रशंसा नहीं करता। चौथा और सम्यक दृष्टिकोण, धर्म करेंगे जीवन बदलेगा, जीवन संवरेगा, जीवन सुधरेगा, ये दृष्टिकोण हो तो जीवन का कायापलट हो जाए। मुझे नहीं मालूम अभी तक आपने किस दृष्टि से धर्म किया। आज मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि एक दृष्टि अंकित करो कि मुझे धर्म करना है जीवन को बदलने के लिए। वस्तुतः धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। अपने आप को रूपांतरित करें, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल पर फोकस करें। हम लोग रिचुअल की तरफ पूरी तरह से लगे हुए हैं, अच्छी बात है, हमारी धार्मिक क्रियाएं निरर्थक नहीं हैं, निरर्थक बनाती है हमारी दृष्टि।
आप पूजा कर रहे हैं, एक सामान्य भाव से पूजा कर रहे हैं, ऊपर के तीनों भाव से पूजा कर रहे हैं, और पूजा कर रहे हैं भगवान के साथ एक संवाद मानकर और अपने चित्त को अच्छे संस्कारों से भरने के लिए, तो आपके अंदर बदलाव आएगा। एक बार की बात, एक युवक ने मुझसे चर्चा में, कुछ युवा बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये पूजा पाठ कर्म कांड करने से क्या होता है। ज़्यादातर आजकल ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है, पूजा पाठ को कतिपय लोग कर्म कांड निरूपित करते हैं। बोले महाराज जी पूजा पाठ और कर्म कांड करने से क्या होता है। एक युवक उन्हीं के समूह में बैठा था, उसने हाथ उठाया, मुझसे अनुमति ली, बोले महाराज मैं बता सकता हूँ क्या होता है। निकलो बोलो। उसने बोला महाराज जी मैंने आपसे प्रेरित होकर के पूजन शुरू किया और 6 महीने हुए मुझे पूजा करते, मैं एक ही पूजा करता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाता, मेरे पास 30 मिनट का समय रहता है, मैं उसमें एक पूजन रोज करता हूँ, पर महाराज जी जब से मैंने पूजा शुरू की मेरे अंदर सकारात्मकता की असाधारण वृद्धि हुई। और उसने अपना एक अनुभव शेयर किया जो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ। उसकी सटिंग शूटिंग की दुकान थी, उसकी एक ग्राहक शर्ट का कपड़ा लेकर गई और शर्ट वापस करने आई। आप बोलो किसी व्यापारी के यहाँ कोई कपड़ा लेकर जाए और शर्ट सिला कर लाए तो वापस लेगा, 4 बातें सुनाएगा। ने कहा महाराज जी मुझे आपकी स्मृति हवाई और मुझे लगा कि इसके प्रति सकारात्मक होना चाहिए, ये महिला अपनी परमानेंट कस्टमर है, 10-15 हज़ार रुपये महीने का माल खरीदती है, इसको हम 300-400 रुपये की एक शर्ट के पीस के लिए नाराज़ करें ये ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैंने वो शर्ट रख लिया और उसे दूसरा कपड़ा दे दिया, वो खुश होकर चले गई, वो शर्ट मैंने अपने एक स्टाफ को दे दिया, शर्ट मैंने अपने एक स्टाफ को दे दिया। मेरे भाई ने मुझसे कहा ये गांधीगिरी करोगे तो धंधा ही बैठ जाएगा। उसने कहा नहीं इसमें धंधा बैठेगा नहीं भैया, धंधा चलेगा, देखो क्या होता। और उसने कहा महाराज जी उसका ये परिणाम निकला कि वो महिला हमारी फैन हो गई और हर महीने 2-4 नए ग्राहक ला कर देती। अब ये क्या हुआ, मनोज तेरा ही रिश्तेदार है तो नाम नहीं ले रहा हूं, समझ गए होगे। अब ये बदलाव कैसे हुआ, ये बदलाव है, ये सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। यदि व्यक्ति अंदर से जुड़कर धर्म करेगा तो उसका असर जरूर पड़ेगा। लक्ष्य बदलिए, उसी अनुरूप पुरुषार्थ जगाइए। मैं धर्म करता रहा हूं लेकिन अंदर कुछ घटे नहीं, तो हम लोगों के बीच क्या आदर्श उपस्थित करूं। मैं यहीं शिखर जी में ही था, एक परिवार आया दिल्ली का, उनके साथ उनका बेटा था, वो बाहर से पढ़कर आया। परिवार के लोगों ने कहा बोले महाराज जी इससे कहो कि थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने कहा महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा रोज करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, बोले क्या बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारा अनुभव सही हो सकता है पर मैं जानना चाहूँगा कि तुम ऐसा कह क्यों रहे हो। उसके माता पिता के जाने के बाद जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा महाराज जी रोज़ सुबह 5 बजे मेरे मम्मी पापा मंदिर के लिए जाते हैं और 10 बजे के पहले कभी लौटते नहीं। 5 बजे सुबह मंदिर जाते हैं, 10 बजे के पहले कभी लौटते नहीं, पर क्या बताऊँ झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं।
दोनों झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं, तो मुझे लगता है इतना धर्म करने से इनको क्या मिला, तो मैं धर्म क्यों करूं। मैंने कहा हो सकता है, पर इसमें दोष धर्म का नहीं है, धर्मी का है। तुम्हारे माता पिता का, उनकी अपनी कमजोरी है, वो धर्म को जब क्रिया मानकर करोगे तो ऐसा ही होगा, और धर्म को जीवन बदलने की प्रक्रिया बनाओगे तो बिल्कुल अलग होगा। मैं आप सबसे सलाह देता हूँ कि धर्म को रूटीन की तरह मत करिए, इस तरह कीजिए कि आपके जीवन की रूटीन बदल जाए। बदलाव होना चाहिए, अगर बदलाव होगा तभी जीवन निखर पाएगा, उसके अभाव में नहीं। तो अंदर से कैसे बदले, ये प्रयास। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ जो अपने स्वभावगत दुर्बलता के शिकार है। अभिषेक पूजन सबसे पहले करेंगे पर गुस्सा सातवें आसमान पर। तो कषाय की हानि के बिना मेरा धर्म कहाँ फला। जितना मैंने इनपुट किया उतना आउटपुट निकलना चाहिए ना। दृष्टि को बदलना है, दूसरे को नहीं देखना। तो धर्म का मूल लक्ष्य जीवन का रूपांतरण होना चाहिए, और जीवन के रूपांतरण के लिए हम धर्म करें तो कैसे करें, आध्यात्मिक भावना से भरकर। जब व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक भावना जगती है तो बदलाव आता है। पूजा उपासना धर्म का सबसे सरलतम रूप है, लेकिन पूजा उपासना भी दो तरह से की जाती है। एक बस ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग सब लोग करते हैं, करते आ रहे वो करते हैं, और एक पूजा उपासना को तन्मयता के साथ, आध्यात्मिकता की प्रेरणा के साथ, आत्मदृष्टि हो, अध्यात्म दृष्टि हो, परिणामों की निर्मलता का प्रयत्न हो, व्यापक बदलाव होता है। वो बदलाव अपने अंदर घटित होना चाहिए, उसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे। तो हमें धर्म अब करना है, कैसे करना है, आध्यात्मिक दृष्टि से भर कर करना है। धर्म कितना करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र शब्द प्रश्न है। एक व्यक्ति है, गृहस्थ है, तो उसकी धार्मिक क्रियाओं की लिमिटेशन होती है, पर धर्म की कोई लिमिटेशन नहीं। धर्म कितना करना है, जितना बने उतना करना है। मतलब महाराज फिर धर्म ही करते रहेंगे तो बाकी क्या करेंगे। तुम जिसको धर्म कह रहे हो धर्म नहीं, वो धर्म की क्रिया है। धर्म की क्रिया को उतनी ही करो जिससे तुम्हारे परिवार और अन्य व्यवस्थाओं में दुष्प्रभाव न पड़े। कई लोग जरूरत से ज्यादा धर्म करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया उल्टी हो जाती है। एक परिवार में निराहार हुआ, परिवार की प्रमुखा बहुत धार्मिक थी, उनके तीन बेटे थे, पति नहीं थे, एक भी बेटा मंदिर नहीं आता था, और मंदिर के सामने ही घर। हमारा आहार हुआ, बेटे को मैं पहचानता था, मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया, अब तो आना ही पड़ा। आते ही सब लोग बोले महाराज जी इसको नियम दो, ये मंदिर आए धर्म नहीं करता। मैंने कहा शांति रखो तुम लोग। सबके जाने के बाद मैंने जब उससे पूछा तो उस बच्चे ने जो बात कही
वो बात नहीं, उसके हृदय की वेदना भी थी। उसने कहा, महाराज मुझे उस धर्म से एलर्जी है जो हमें हमसे हमारी माँ को छीन ले। मौत ने पिता को छीना, धर्म ने माँ को छीन लिया। अरे क्या बोलते हो तुम? अरे महाराज जी क्या बताऊँ, मेरी माँ 3 बजे उठती है, सामायिक पाठ वाठ करती है और 5 बजे मंदिर चले जाती है। 10:30 के पहले कभी मंदिर से बाहर नहीं आते। हम लोगों को ऑफिस जाना, 3 बेटे थे, किसी की शादी नहीं हुई थी, तथापि हम लोगों को खुद हाथ से बनाना पड़ता। महाराज जी लौट कर आते हैं तो पता लगता मम्मी स्वाध्याय में है। वो भी 9:30-10 बजे आती और आकर के फिर वो अपने काम में लग जाती। उनको लगता ही नहीं कि हमारे कोई बेटे भी हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसा धर्म से क्या मतलब, जो बच्चों को ही भुला दे। इसलिए महाराज हम लोग आना नहीं चाहते, मन नहीं करता। मैंने उसे समझाया और उसे समझाया कि देख, तेरी माँ ने एक बहुत बड़ा झटका सहा है, अल्प वय में पिता को खोया, पति को खोया है। हो सकता अपने आप को इंगेज करने के लिए ऐसा करती हो, उसे तुम लोगों का ध्यान रखना चाहिए। पर तुम ये मान करके चलो कि तेरी माँ धर्म से जुड़ी है तो ठीक है, नहीं तो डिप्रेशन के भी शिकार हो सकती थी। बोले हाँ महाराज ये तो हो सकता था। तो मैंने कहा ध्यान रखना, धर्म कभी अर्थहीन नहीं होता, धर्म ही संबल बनता है। लेकिन उसकी बात से मैंने एक बात नोटिस की कि जरूरत से ज़्यादा धर्म पूरे परिवार को भ्रम में डाल सकता है। इसलिए मैं एक संदेश दूंगा, धार्मिक क्रियाएं सीमा में करें, धर्म 24 घंटा करें। मतलब क्या निकला, पूजा पाठ जाप स्वाध्याय एक लिमिट होना चाहिए। आप इसी में लगे रहोगे तो आपका घर परिवार का हाल बिगड़ जाएगा, व्यापार धंधा चौपट हो जाएगा। उसमें आप जितना समय मिले कीजिए, निकालिए उसके लिए समय। लेकिन धर्म धार्मिक क्रियाओं के बिना भी हो सकता है, होता है, इसे समझिए। और वो धर्म क्या है, सधर्म यत्र ना धर्म, अधर्म से बचना ही आपका धर्म है। क्या है, अधर्म से बचिए, वो नहीं होना चाहिए 24 घंटे में। देख लिया, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट हो और गाड़ी न रोको तो क्या होता है, चालान कटता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ग्रीन लाइट में गाड़ी आगे ना बढ़े कोई चिंता नहीं, ग्रीन लाइट है, ग्रीन सिग्नल है, आप गाड़ी ना बढ़ाओ कोई फर्क नहीं, होता है क्या। लेकिन रेड लाइट में गाड़ी ना रोको तो आप फंसे, है ना। तो बस धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं वो ग्रीन सिग्नल है, इनको आप जितना करो अच्छा है, गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन कदाचित न कर पाओ तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन जितनी भी अधार्मिक क्रियाएं हैं वो सब रेड सिग्नल है। धर्म संबंधी जो वजनाएं हैं उनसे बचिए, अन्यथा दुर्गति के पात्र बनना पड़ेगा। समझ गए। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूँ आप सबके लिए और आपके माध्यम से पूरे देश में जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सब के लिए कि धार्मिक क्रियाएं उतनी ही कीजिए जितने में घर परिवार की व्यवस्था सुव्यवस्था बनी रहे। बच्चों को समय देना भी आपका धर्म है ये मान करके चलिए, परिवार का ख्याल करना भी आपका धर्म है ये मान करके चलिए। पर ख्याल रखना, परिवार का ख्याल करना है, परिवार से मोह नहीं। मोह रुलाएगा, कर्तव्य बोध के साथ काम करिए, कर्ता बुद्धि से मत कीजिए। बस ये एक बारीक समझ अंदर आ जाए तो कभी कठिनाई नहीं। तो धर्म कितना करे भी बात हो गई, आखिरी बात और पूरी कर दूं। धर्म कब करे,
जब समझ में आ जाए तब करो, जब जागो तभी सवेरा। प्रायः धार्मिक क्रियाओं और धार्मिक आस्थाओं अभ्यासों के प्रति आज का जो युवा है वो उदासीन रहता है। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में ही लोग धर्म के प्रति विशेष रुझान रखते हैं। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ उनका बेटा था। उनसे पूछा कि भाई तुम पूजा पाठ करते हो? बोले महाराज अभी मेरी उम्र कहाँ है, बुढ़ापे में देखूँगा, बुढ़ापे में देखूँगा। हमने कहा तू बुढ़ापा देख पाएगा इसकी गारंटी है? बोलो है क्या? बुढ़ापे में देखूंगा तुम बोल तो रहे हो, पर बुढ़ापा देख पाओगे इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, जब मौका मिल जाए काम कीजिए। और मैं आपसे कहता हूँ, आप कितने भी व्यस्त हो धर्म की क्रियाएं भी आप कर सकते हो। देश काल की परिस्थितियां धर्म में बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है हमारी प्राथमिकता। हम धर्म करने का तरीका बदल सकते हैं, पर मेरी व्यस्तता मुझे धर्म से दूर नहीं कर सकती। एक सज्जन बड़े उद्यमी, कारपोरेट के मालिक, उन्होंने कहा महाराज जी मैं इस बहुत चाहता हूँ कि धार्मिक क्रियाएं करूँ, आपका प्रवचन भी सुनना चाहता हूँ, पाठ जाप भी करना चाहता हूँ, पर समय नहीं मिलता। मैं महाराज जी मुझे डॉक्टरों ने रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए एक्सरसाइज के लिए बोला है, एक घंटा मुझे उसमें लग जाता है। सुबह से घर से ऑफिस जाने में 9:30 के पहले मुझे ऑफिस पहुँचना है, एक घंटा घर से ऑफिस का रास्ता है, फिर दिन भर ऑफिस का काम करना है, लौटने में भी ऐसे ही। महाराज जी टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूं? संडे को मुझे समय मिलता है, संडे को मैं कर लेता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं? मैंने सवाल किया आप करना चाहते हो? बोले हाँ करना चाहते हैं। बोले देखो रास्ता बता देता हूं। राजा शेड्यूल मेरा बहुत टाइट है। बोले इसी टाइट शेड्यूल में बोलता हूं। बोले क्या? मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? जाता हूं। बोले एक काम कर लो, मॉर्निंग वॉक मौन पूर्वक जाओ और पूरे वॉक में केवल नमोकार जपने का संकल्प ले लो, एक घंटा धर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? घर से दफ्तर का रास्ता एक घंटे का है। बोले एकदम कार में बैठते ही ऑफिस बंद कर दो, ऑफिस ऑफिस में जाने के बाद ही खोलेंगे, मौन लेकर बैठो और कार में बैठते ही प्रवचन चालू कर लो। ये उन दिनों की बात है जब कैसेट्स चलती थी, सीडी भी नहीं आई थी। उस व्यक्ति ने मुझे फॉलो किया और प्रतिदिन एक प्रवचन सुनना शुरू कर दिया, और उस व्यक्ति में जो बदलाव आया, आमूल चूल परिवर्तन, रात्रि में चारों प्रकार के आहार भी त्याग दिया अपनी प्रेरणा से, और एज 44 कर रहा। ये भी धर्म है ना? ये मत सोचना कि भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान का गुण गाओगे तभी तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा भगवान के सामने खड़े होकर की जाने वाली क्रिया नहीं, तुम्हारी पूजा तुम्हारी श्रद्धा से प्रेरित हृदय के उद्गार का नाम है। वो अंदर हो जाए तो पूजा है। आप जब खाली हो तब सावधान रहे, इधर उधर की गप्पे करने की जगह नमोकार जपो, भगवान का नाम लो तो क्या बुरा है? महाराज वो ही नहीं होता बाकी सब हो जाता है। आजकल सब लोग कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं। मुझे नहीं दिखता कि लोग व्यस्त हैं, मुझे लगता है लोग अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहो मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। सिस्टम से जीवन जिए, जीवन बेहतर बनेगा, सुंदर बनेगा, आगे बढ़ेगा। जैन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के 300
350 सदस्य आज यहाँ उपस्थित हुए। कल से कल आप लोगों ने भगवान की का श्री विहार कराया, आज अभी सम्मेलन शिखर विधान करेंगे, आगे चलकर शायद कल वंदना का कार्यक्रम होगा। हाँ हाँ, कल की वंदना होगी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। मैं आप सबसे यही मानकर एक मानता हूँ तो यही हूँ कि आप सब लोग विशुद्धतया धार्मिक हैं, धार्मिक क्रियाओं धार्मिक कर्तव्यों के पालन में आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन एक बात कहूँगा, इस यात्रा को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बना लीजिए, जीवन सुधर जाएगा। लक्ष्य एक बनाकर जाइए कि हमें धर्म ही नहीं करना, धर्म का फल पाना है, मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप धार्मिक क्रियाओं को करते हुए अंत में संलेखना संथारा पूर्वक इस दुनिया से जाना है। ये भावना भाव, हमें मरना नहीं है, हमें मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना है। क्या करना है? ये लक्ष्य बनाओ, देह परिवर्तन करना है, मरना नहीं है, भेद विज्ञान के साथ जाना है, जिससे कि इस आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हुआ जा सके, भव भ्रमण से छूटा जा सके, तो हमारा ये नरभव सफल और सार्थक होगा। आपकी ये आराधना आपके जीवन को परम उपलब्धि का कारण बने, उपलब्धि प्रदान करे, इस भाव के साथ, चूँकि बहुत सारे कार्य बाकी हैं, पूजा बाकी है, मैं विराम ले रहा हूँ। बस एक भावना मन में रखिए, मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, देव साथ गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना हृदय में बनाकर रखेंगे तो सब कुछ उत्तम होगा। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।